जय हिंद, इससे पहले के क्लास में पाचन तंत्र श्वसन तंत्र के कंप्लीट समझा दिए थे। आज इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम लोग अच्छा से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे विथ डिस्कशन। ये ऑब्जेक्टिव जो होगा इस कंपटीशन बुक से होगा, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरबीजेई, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है सारे प्रीवियस ईयर का क्या है, संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने से पहले आप ये समझिए कि उत्सर्जन कहते किसको है, उत्सर्जन कहते किसको है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स का जो है वो सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव विथ डिस्कशन सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स भी देख सकते हैं। बायोलॉजी का 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 9वां चैप्टर का टॉपिक चल रहा है जो है मानव बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में पहले हम लोग उत्सर्जन को समझेंगे। उत्सर्जन उसको कहेंगे जो अवशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो खराब पदार्थ हो गया, जैसे में खराब पदार्थ कहने में जैसे लैटरिन हो गया, यूरिन हो गया, और भी कई प्रकार का, जैसे पसीना हो गया, बलगम हो गया, बलगम, सीबम, CO2 आदि, ये सब क्या है, ये सब शरीर में खराब पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीटरी कहते हैं। अब उत्सर्जन तो समझ गए, उत्सर्जन किसको कहेंगे, जो शरीर में खराब पदार्थ है उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। जो अंग निकालने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। जो अंग निकालने का काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। और जो पदार्थ निकलेगा उसको कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ। जो पदार्थ निकलेगा उस अंग से उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। जैसे जो उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो कुल मिलाकर 5 प्रकार के हैं। कितने, 5 प्रकार के हैं। उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन है, पहला तो है त्वचा। फर्स्ट में क्या है, त्वचा है। त्वचा देखे होंगे, त्वचा से क्या निकलता है, अब बोलेंगे सर त्वचा से क्या निकलेगा, तो त्वचा से निकलेगा पसीना। क्या निकलेगा, पसीना, नमक, सीबम। कहेंगे सर पसीना तो देखे, नमक नहीं देखे। जब आप काला शर्ट पहनते हैं गर्मी के दिनों में, काला शर्ट पहनते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलती है, तो काला शर्ट क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। क्यों हो जाता है सफेद, सफेद होने का यही रीजन है कि पसीना के रास्ता से, स्किन के रास्ता से नमक भी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, नमक भी रिलीज हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो शर्ट है आपका काला शर्ट वो उजला हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब आप पसीना भी देख लिए, नमक भी देख लिए कि कैसे निकलता है। कि कहेंगे सर सीबम क्या होता है, सीबम जो दोस्तों जो नाक पे आपको चिपचिपा पदार्थ जैसा रहता है, पसीने के बाद क्या रहता है, नाक पे चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसी को हम लोग सीबम कहते हैं। वो भी किसके रास्ते से निकलता है, तो स्किन के रास्ते से निकलता है। अब इसमें आप बताइए कि उत्सर्जी अंग क्या हो गया, तो उत्सर्जी अंग कहेंगे सर त्वचा हो गया। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, तो उत्सर्जी पदार्थ जो हो गया वो पसीना हो गया सर, नमक हो गया, सीबम हो गया। ये क्या कहेंगे, ये उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। लेकिन हम कहेंगे सर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, तो उत्सर्जन हो गया। क्या हो गया, ये उत्सर्जन हो गया। दोनों प्रक्रिया को मिला देंगे, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जन पदार्थ को, और दोनों को मिला के बोलेंगे कौन सी प्रक्रिया हुआ, तो उत्सर्जन प्रक्रिया हुआ। यानी कि जो है क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आया। अब देखिए दूसरा अंग है फेफड़ा। अब कहें सर फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा जो है दोस्तों वो क्या करता है, वाष्प निकालता है, CO2 निकालता है और बलगम निकालता है। देखिए शरीर से जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस को रिलीज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो किसके द्वारा रिलीज करते हैं, कौन ताकत लगाता है बाहर निकालने के लिए, तो फेफड़ा निकालता है। कौन निकालता है, फेफड़ा। अब ठंडा के दिनों में वाष्प निकलता है शरीर से, मुंह से वाष्प निकलता है, नाक से वाष्प निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, वहां से प्रेशर दे रहा है बाहर फेंकने के लिए, तब क्या निकलता है, फेफड़ा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया उत्सर्जी अंग। लेकिन CO2, वाष्प, बलगम क्या हो गया, ये सब हो गया उत्सर्जी पदार्थ। अब बलगम समझ रहे होंगे, बलगम उसी को कहेंगे शुद्ध हिंदी में, और ठेठ हिंदी में क्या कहेंगे उसको, खखार, नेटा। यानी कि जो भी है ये क्या है, बलगम है। जैसे आपको एक नाक बंद करके एक नाक में है जब सर्दी होता होगा तो आप दबा के फेंकते होंगे, तो क्या वो है, बलगम है। तो कौन प्रेशर लगा रहा है अंदर से, फेफड़ा लगा रहा है। कौन लगा रहा है, फेफड़ा लगा रहा है। या कहीं पे देखे होंगे बुढ़ा के या फिर बुजुर्ग आदमी के क्या करते हैं कि खखार करते हैं, तो खखार क्यों, किसके प्रेशर से करते हैं, तो करते हैं फेफड़ा के प्रेशर से। किसके प्रेशर से, तो फेफड़ा के प्रेशर से खखार करते हैं। तो फेफड़ा जो हो गया क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। और उत्सर्जन पदार्थ क्या हो गया, CO2 हो गया, वाष्प हो गया, बलगम हो गया। ये सब क्या हो गया, CO2 सॉरी ये सब क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया।
अब ये दोनों मिलके करने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। उसके बाद तीसरा में आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत क्या करता है, जो भोजन नहीं पचता है, जो भोजन अनपचा रहता है, उसको बोलते हैं काइमा। उसका उत्सर्जन कौन करता है, उसका उत्सर्जन बड़ी आंत करता है। कौन करता है, बड़ी आंत करता है, जो भोजन नहीं पचता है। उसके बाद आता है यकृत। यकृत जो है दोस्तों लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर हमारे शरीर में बहुत एक मतलब कि जो बहुत कहने का मतलब डेंजर लिक्विड रहता है, वो रहता है अमोनिया। क्या रहता है, अमोनिया। अमोनिया जो है, अमोनिया वो बहुत डेंजर पदार्थ है। वो क्या करता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया भी डेंजर है लेकिन अमोनिया से कम है। यूरिया भी खराब है लेकिन अमोनिया से कम है। तो लीवर क्या करता है कि यूरिया अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। उत्सर्जित करके क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है, और यूरिया को परिवर्तन करके ब्रिक में भेजता है, किडनी में भेजता है। कहां भेजता है, किडनी में भेजता है। क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके किडनी में भेज देता है। क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके किडनी में भेज देता है। कौन, यकृत। कौन करता है, यकृत। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके कहां भेज देता है, किडनी में भेज देता है। अब किडनी को तो पता है कि यूरिया जो है से अमोनिया से बना है। यूरिया किससे बना है, अमोनिया से बना है। ये यूरिया जो है दो से तीन घंटा में फिर से अमोनिया बन जाता है। क्या होता है, यूरिया जो है दो से तीन घंटा में फिर से अमोनिया बन जाता है। तो किडनी का तो पता है कि यूरिया फिर से अमोनिया बन जाएगा, फिर से उतना ही खतरनाक बन जाएगा। तो क्या करता है किडनी, किडनी यूरिया को पेशाब के रास्ते क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। क्या करता है, किडनी यूरिया को क्या करता है, पेशाब के रास्ते उत्सर्जित कर देता है। तो आप किडनी क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। यूरिया क्या हो गया, पेशाब क्या हो गया, या उत्सर्जी पदार्थ हो गया। अब ये दोनों प्रक्रिया क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो आप किडनी समझे, अक्रियत समझे, बड़ी आंत समझे, फेफड़ा समझे, त्वचा समझे, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसके बारे में देखें। अब इसमें जो मेन भूमिका है दोस्तों एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जो मुख्य अंग है वो है किडनी। क्या है, किडनी। उत्सर्जी सिस्टम का, उत्सर्जी अंग का जो मुख्य अंग है वो है किडनी। अब हम लोग किडनी को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि किडनी से एग्जाम में ज्यादा सवाल बनती है। किडनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किडनी जो है, किडनी को हम लोग ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं। किडनी को क्या कहते हैं, ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं। पहले किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है दोस्तों, ग्रंथि रहता है। किडनी की संख्या दो होती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, उसको बोलते हैं अधिब्रिक या एड्रिनल ग्लैंड। ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि में। क्या पढ़ेंगे, ग्रंथि चैप्टर में पढ़ेंगे, और पढ़ लिए हैं बायोलॉजी के ग्रंथि चैप्टर। हम लोग ग्रंथि जो है, ग्लैंड है, उसको पढ़ लिए हैं। आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के आप ग्लैंड को देखिए। अब देखिए ये क्या है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उसको बोलेंगे अधिब्रिक। क्या बोलेंगे उसको, अधिब्रिक, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी जो है उसकी दो संख्या होती है, एक और दो। अब कहेंगे सर एक जो है छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। क्यों, क्योंकि जो दाहिना वाला किडनी है दोस्तों वो लीवर के दबाव से थोड़ा सा छोटा और नीचे की ओर रहता है। क्या रहता है, छोटा भी रहता है और नीचे की ओर धांसा भी रहता है। किसके दबाव के कारण, तो यह लीवर के दबाव के कारण। अब किडनी के बारे में देखते हैं, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया एड्रिनल ग्लैंड। अब जैसे ही किडनी के नीचे आएंगे दोस्तों, किडनी के नीचे, तो ये जो नस आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे यूटर्स। क्या बोलेंगे, यूरेटर्स। नस को क्या बोलेंगे, यूरेटर्स। इसको बोलेंगे, यूरेटर्स को बोलेंगे मूत्रवाहिनी। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनी। ये क्या करता है, जो किडनी जो है, किडनी अपना काम क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, छानेगा। क्या करेगा, ब्लड को छानता है छन्नी की तरह। उसमें जो खराब पदार्थ है उसको क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। उत्सर्जित करके कहां करेगा, वो करेगा यूरेटर में। यूरेटर कहने का मतलब मूत्रवाहिनी में। अब मूत्रवाहिनी के रास्ते कहां चला जाएगा दोस्तों, यूरिन ब्लडर में। कहां जाएगा मूत्रवाहिनी के रास्ते, यूरिन ब्लडर में। आप ये मत समझिएगा, जब आप दवा हुआ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको फीवर का दवा खाएं, तो जब दवा खाते हैं तो पेशाब जो है थोड़ा सा पीला होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड में जो दवा घुल गया उसको छान करके बाहर करने की प्रक्रिया कौन करेगा, तो किडनी करेगा। तो किस रास्ते से निकलेगा, तो पेशाब के रास्ते से निकलेगा। अब जब मूत्रवाहिनी के रास्ते जो है, ये सारे जो ब्लड में जितना भी खराब पदार्थ था वो छान लिया, और छान के किडनी क्या कर दिया, मूत्रवाहिनी को दे दिया। अब मूत्रवाहिनी जो है दोस्तों वो क्या करेगा, यूरेटर। यूरेटर जो है से यूरिनरी ब्लडर जो होता है, मूत्रालय होता है, जो यूरिनर ब्लडर होता है, मूत्रालय जहां पे संग्रहित होता है, उसको भेज देता है। क्योंकि जब जो मूत्रवाहिनी से रास्ते से जो आ रहा है दोस्तों, वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, वो कहीं पे रुकता है। इसका 1/2 लीटर लगभग जो है 1/2 लीटर इसका रहता है कैपेसिटी स्टोर करने का, किसका, यूरिन ब्लडर का। अब यूरिन ब्लडर पे आ गया मूत्रवाहिनी के रास्ते, कौन, पेशाब जो है, यूरिनस। अब जैसे ही आया यूरिन ब्लडर में, यूरिन ब्लडर से जब उसके रास्ते से बाहर निकलता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा, या बोलते हैं उसको मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं,
यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, इतना जो है किडनी का इंपॉर्टेंट है। किडनी कितने होते हैं? दो होते हैं। अब हम थोड़ा सा किडनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। किडनी जो है दोस्तों, किडनी किस प्रक्रिया से होता है, उसको आकार जो है सेब की दाना का आकार दिया जाता है। किसका? सेब की दाना। सेब की दाना देखे होंगे, सेब की दाना जो बीज होता है उसकी तरह से होता है इसका आकार। अब सेब की दाना की तरह आकार है दोस्तों इसका, इसके जो बाहर वाला परत है उसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? बाहर वाला परत के, बाहर वाला परत को कार्टेक्स बोलते हैं। बाहर वाला जो परत है उसको क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। और जिस अंदर वाला जो भाग है इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? बाहर वाला परत को कार्टेक्स बोलेंगे और किडनी के अंदर वाले भाग को बोलेंगे मेडुला। जिस रास्ता से किडनी में प्रवेश होता है उसको बोलते हैं रेनल हिलियम। क्या बोलते हैं? रेनल हिलियम। रेनल हिलियम जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। जो रेनल हिलियम है यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। रेनल हिलियम की जगह सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। आपसे एग्जाम में एसएससी में पूछा गया था कि यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेनल हिलियम पाया जाता है। रेनल हिलियम पाया कहाँ जाता है? तो किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेनल हिलियम कहते हैं। रेनल हिलियम कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के प्रवेश द्वार पे पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है रेनल हिलियम के पास। अब देखिए किडनी के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। किडनी जो है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। रक्त को छानने की प्रक्रिया कौन करता है? किडनी करता है। रक्त को छानने की प्रक्रिया किडनी करता है। लेकिन अगर जो आपको कह दे कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, वो करता है दोस्तों फेफड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर जो आपसे पूछे कि रक्त को छानने की प्रक्रिया कौन करता है, तो किडनी करता है, लेकिन शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। शुद्धिकरण कहने का मतलब इसमें O2 कौन मिलाता है, तो इसको शुद्धिकरण करने का मतलब छान लेना नहीं, उसमें मिक्स करता है कौन? O2 कौन करता है? तो आपको पता होगा फेफड़ा करता है। जब हम लंग्स चैप्टर पढ़े थे तो लंग्स चैप्टर में हमको पता था कि कहाँ पे कौन सी धमनी, कौन सी सिरा से, कौन सी सारी, हम लोग फेफड़ा के बारे में देखे थे, कौन अलिंद, दायां बायां। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के फेफड़ा भी देखिए, लंग्स देखिए। तो लंग्स का शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। सॉरी, शुद्ध ब्लड को शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। लेकिन छानता कौन है? तो छानता है जो है ऐसे किडनी छानता है। अब देखिए आगे कहता है, पेशाब का निर्माण जो है, पेशाब का निर्माण कौन करेगा? तो किडनी करेगा। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार का नियंत्रण भी जो है दोस्तों, वो कौन करेगा? किडनी करेगा। किडनी का काम है एसिड जो ब्लड पेशाब है उसमें एसिड का मात्रा या बेस की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो भी करता है कौन? पेशाब करता है। जहर को निष्क्रिय भी करता है तो कौन करता है? पेशाब ही करता है। जो जहर है दोस्तों पॉइजन, उसको निष्क्रिय कौन करेगा? तो उसको भी पेशाब करेगा। किडनी के कुल संख्या जो है वो दो होता है। देखिए आपको पता है मोटा मोटी किडनी का संख्या तो किसको पता नहीं रहेगा, क्या रहेगा? दो है। किडनी की संख्या कितना है? दो है। इसका भार जो है, इसका भार 140 ग्राम लगभग होता है 140 ग्राम। अब जो हेल्दी है, जो ज्यादा मोटा है उसमें थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, जो ज्यादा दुबला पतला उसमें थोड़ा सा कम जाएगा। इसका कोई लगभग कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ठीक है, अगर जो आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी व्यक्ति को पॉइजन देके या जहर देके मारा गया हो तो उसकी जो जांच होगी वो कहां पे होगी? किडनी में होगी या लिवर में होगी? तो दोस्तों ये जो है जांच, ये खराब पहले जो पॉइजन है, पॉइजन पहले खराब लीवर को करता है। किसको करता है? लीवर को करता है। लेकिन पॉइजन जो है सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आता है? लीवर के कॉन्टेक्ट में आता है। हाँ, किडनी भी खराब होगी लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा? लीवर के करेगा। फेल भी कौन होगा? लीवर होगा पॉइजन से। किडनी क्यों नहीं होता है? किडनी क्योंकि जहर को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। इसको जहर से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन लीवर जो है दोस्तों, लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। देखिए जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने वाला व्यक्ति को क्या खराब होता है? ज्यादा खराब होता है लीवर। लेकिन किडनी भी थोड़ा हल्का फुल्का डैमेज होता है, लेकिन ज्यादा खराब यानी कि मौत होने की कगार कौन कर देता है? लीवर कर देता है, यानी कि लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब आते हैं हम लोग, किडनी के जो बाहर वाला झिल्ली होता है इसको पेरिटोरियम झिल्ली कहते हैं। किडनी के जो बाहर झिल्ली लगा होता है झिल्ली, उसको बोलते हैं पेरिटोरियम झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? पेरिटोरियम झिल्ली। जैसे कि ब्रेन के बाहर वाला झिल्ली को क्या बोलते हैं? ब्रेन के बाहर वाले झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ब्रेन है दोस्तों, उसके बाहर वाले झिल्ली को क्या बोलते थे? मेनिनजाइटिस बोलते थे। दिल के बाहर वाले झिल्ली को क्या बोलते थे? पेरिकार्डियक बोलते थे। फेफड़ा के बाहर वाले झिल्ली को क्या बोलते थे? प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते थे। क्या बोलते थे? प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते थे। किसका? फेफड़ा के बाहर वाली झिल्ली को। उसी प्रकार जो किडनी के बाहर वाली झिल्ली है उसको बोलेंगे पेरिटोरियम झिल्ली। क्या बोलेंगे? पेरिटोरियम झिल्ली। अब देखिए किडनी के बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे? कार्टेक्स बोलेंगे। किडनी के बाहर वाले भाग को बोलेंगे कार्टेक्स। आंतरिक भाग को बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? आंतरिक भाग को मेडुला बोलेंगे। आंतरिक भाग को जो मिडिल में रहेगा मेडुला, जो मिडिल में रहेगा वो मेडुला। तो यानी कि आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला। अब देखिए दोस्तों किडनी में जो प्रवेश द्वार है रेनल हिलम है। क्या है? रेनल हिलम है।
रेनल हिलम पे आपको पता है कि वहां पे अमोनिया जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, रेनल हिलम के पास अमोनिया की मात्रा मैक्सिमम होता है। जो इसका जो किडनी का इकाई है वो नेफ्रॉन है। क्या है किडनी का इकाई? नेफ्रॉन है किडनी का इकाई। किडनी का इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन कहने का मतलब, इकाई कहने का मतलब, वह छोटी से छोटी जिसके द्वारा किडनी का या कोई भी वस्तु का निर्माण हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। कहें क्या सर? यूनिट का और कोई एग्जांपल बताइए। जैसे आपके घर में दीवार बना हुआ है तो दीवार के छोटी से छोटी इकाई कौन सा है? उसमें तो ईंट भी लगा हुआ है, बालू भी लगा हुआ है, सीमेंट भी लगा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है, लेकिन उसका जो यूनिट है दोस्तों वो क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट। यानी कि ईंट ईंट को जोड़ करके क्या बना है? दीवार बना है। आपके पास लड्डू है, आपके हाथ में लड्डू में बेसन भी है, डालडा भी है, चीनी भी है, और भी कई प्रकार के मिलास है, लेकिन उसमें जो उसका इकाई है वो गोल गोल बुनिया है, जो उसको मिलाकर क्या बन गया? लड्डू बन गया। यानी कि कहने का मतलब जो सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को हम लोग आगे देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, नेफ्रॉन को भी हम लोग क्लियर करेंगे कि नेफ्रॉन में होता क्या क्या है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है उत्सर्जी अंग का, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का, स्केलेटरी सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, प्रत्येक ब्रिक में यानी कि किडनी में बड़ी संख्या के निस्पंदन इकाई होता है, जो मतलब कि छोटी से छोटी इकाई क्या है उसको कहा जाता है सियानु। ऑप्शन ए में कह रहा है तंत्रिका, बी में कह रहा है नाभिक, और सी में कह रहा है ब्रिकानु। ब्रिकानु को दोस्तों हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है? नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो इसका इकाई क्या था? नेफ्रॉन था। अब देखिए नेफ्रॉन जो है दोस्तों, कितने नेफ्रॉन मिलेंगे तो एक ब्रिक बनेगा, यानी कि एक किडनी बनेगा। तो लगभग 800,000 नेफ्रॉन अगर जो एकत्रित होंगे दोस्तों, तो एक क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? ब्रिक बनेगा, किडनी बनेगा। इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसकी इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन जो किडनी है क्या करता है? तो ब्लड को क्या करता है? ब्लड को साफ करता है, यानी कि क्या करता है? छानता है। ब्लड को छानने की काम कौन करता है? तो छानने की काम किडनी करता है। अभी देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला कह रहा है कि डायलाइजर, यानी कि डायलिसिस हम लोग कहते हैं इसको, चलते फिरते भाषा में डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलाइजर नामक मशीन जिसका डायलाइजर नामक मशीन जिसका प्रयोग रोग के रक्त को साफ करने, जो रोगी है उसका रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम क्या कहते हैं? तो उसको कृत्रिम गुर्दा कहेंगे दोस्तों, या कृत्रिम गुर्दा कहेंगे, या किडनी कहेंगे, या ब्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? किडनी कहेंगे, ब्रिक कहेंगे, गुर्दा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम गुर्दा कहेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो है सी सही है दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर, जो किडनी है उसको खराब होने का इलाज जो है, वो किडनी के खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जो जिस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जब किडनी खराब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस जो हम लोग डायलिसिस करते हैं दोस्तों, जिससे किडनी जो डायलिसिस करते हैं डायलाइजर से, उसको क्या बोलते हैं? होमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, जो डायलिसिस जिस मशीन से डायलिसिस होता है उसको बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? जिस मशीन से डायलिसिस होता है उसको बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं उसको? डायलाइजर बोलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा नहीं है? जो मानव उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा नहीं है, संग्रहण नालिका। ऑप्शन बी में कह रहा है केसी गुच्छ, सी में कह रहा है बोमेंस कैप्सूल, और डी में कह रहा है श्वसनिका। तो श्वसनिका जो है दोस्तों ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। कौन? श्वसनिका जो है उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। श्वसनिका जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। श्वसनिका क्या है दोस्तों? श्वसन तंत्र का अंग है। क्या है? श्वसन तंत्र का क्या है? अंग है। कौन? श्वसनिका। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है, मानवों में ब्रिक में डॉट 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 द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? जो मानव है दोस्तों, मानवों में ब्रिक में द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है। किसके द्वारा? तो नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का छोटी इकाई है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? नेफ्रॉन द्वारा नाइट्रोजन के घुलनशील यौगिक को क्या कहता है? हटाया जाता है। नेफ्रॉन जो है दोस्तों
किडनी का क्या है, सूक्ष्म इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का, किडनी का क्या है, इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, इकाई है, ठीक है। जो किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है किडनी का वजन वजन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है, जो हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है, कौन जो है से हृदय से जो हार्ट से गुर्दा तक रक्त पहुंचाता है, वो कौन सा है, वो है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है गुर्दे की धमनी। क्या है, गुर्दे की धमनी, यानी किडनी, किडनी धमनी, किडनी धमनी जो है गुर्दे से, हृदय से लेकर गुर्दे तक क्या करता है, रक्त पहुंचाता है। शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। शरीर में जितना भी पोषक तत्व और ऑक्सीजन की परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो रक्त के माध्यम से होता है। रक्त क्या है, तरल पदार्थ में, रक्त जो है, रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। जो रक्त जो है दोस्तों, रक्त किससे बना होता है, तो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है, क्या, रक्त। तो आज हम लोग 186 क्वेश्चन तक देखे थे, कल हम लोग देखेंगे किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बारे में अच्छा से देखेंगे थोड़ा सा, नेफ्रॉन करता क्या है, नेफ्रॉन होता कैसा है, कौन कौन सा काम करता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा, किडनी के बारे में समझ लिए, उसे नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे। और कल जो है दोस्तों, हम लोग उत्सर्जन अंग यानी कि स्केलेटरी सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करें। तो चलिए रहने देते हैं दोस्तों।